45. अच्छी गेंद यहां पर सरोज के द्वारा, इसी के साथ पिछले मुकाबले को जीतकर सीधे क्वालिफाई की है। दो में से दो मुकाबले बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की। और ये लीजिए ये कमाल का शॉट, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर पहुंचाया छह के लिए। और इसी के साथ यहां पर इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। और इसी के साथ यहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से परोसा इस शॉट को, देखकर जाए और इस बार पैरों पर गेंद थी, उसे सहलाया था बाउंड्री लाइन की। और इसी के साथ यहां पर अंपायर की उंगली खड़ी, यानी कि जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस पवेलियन। और सरोज ने दिला दी टीम को दूसरी सफलता इस ओवर में, तो कुल मिलाकर दूसरा ओवर भी अब यहां पर संपन्न हुआ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर सेकेंड, स्कोर 30, लॉस ऑफ 3 विकेट। और आगे क्या कुछ होता है, इन सारे सवालों को ख्यालों को लेकर के हमारे बीच मौजूद समरेश दा, और सामना करेंगे शिवम शर्मा। ओहो क्या गेंदबाजी है, सटीक यॉर्कर, उतने अच्छे ढंग से खेला भी यहां। अपील काफी जोरदार और यहां पे उंगलियां उठी है एम्पायर की। लेग बिफोर विकेट, शिवम जाएंगे डग आउट, विकेट नंबर 6, अनदर विकेट। सरोज बॉलिंग कर रहे, थोड़ा जाकर देखिए फील्ड प्लेसमेंट में फिर से एक बार परिवर्तन करते हुए साहिल को बुलाया शॉर्ट कवर की तरफ। ओहो बहुत दूर से लल चाया, इस बार ड्राइव कराने का प्रयास था लेकिन गेंद निकल गई कीपर के हाथ में। टोटल आप कह सकते हैं क्योंकि 8 ओवर का मैच है। काफी दूर से खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट बॉल, पप्पी स्ट्राइक फिर से एक बार तैयार अगली बॉल के लिए। ओहो क्या शॉट है, संपर्क तो अच्छा है, क्या गेंद अंदर है या बाहर है? गेंद अंदर है और पप्पी जाएंगे बाहर, विकेट नंबर 7 रोज। और सामना करेंगे जंबर, और यहां पे देखिए स्लोवर के साथ गेंदबाजी हुई थी लेकिन गेंद हवा में और सरोज पहुंच नहीं पाए गेंद तक, कोई रन इस बॉल से। शॉट ऑफ लेंथ, अच्छा पुल इस बार लेकिन बल्ला पूरा चला नहीं है। और 5 विकेट सरोज के नाम, 5 विकेट हॉल, और पहली बार इस कोलकाता चैंपियंस लीग में 5 विकेट किसी गेंदबाज के नाम, सरोज प्रमाणिक। दो ओवर का स्पेल खत्म हुआ सरोज का और 16 रन देकर 5 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी। और 6 ओवर के बाद 72 रन 8 विकेट, आखिरी दो ओवर किस तरह से